हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको प्रूफ करूंगा सच्चू की टेक फेक न्यूज़ है। दोस्तों, ये वीडियो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं था दोस्तों, पर इसने मेरे को मजबूर किया, सच्चू की टेक वाले बंदे ने मेरे को मजबूर किया। इसका नाम तक नहीं जानता दोस्तों, मैं इसका नाम तक नहीं जानता, तो इसने मेरे को मजबूर किया क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर ने बताया था, भैया आपके बारे में कुछ बुरा भला कहा है उस बंदे ने, करके जाके वीडियो देखा तो हाँ दोस्त, सच में बहुत ही बुरा कहा था इसने। तो सोचा इसकी पोल खोल देता हूँ। मैं पहले ही इसको वार्निंग किया था दोस्त, देख मैं तेरे को पहले भी वार्निंग किया था, भाई मैं मेरे रास्ते पे हूँ तो तेरे रास्ते पे, तो प्लीज़ मेरे को उंगली मत कर, नहीं तो तेरी पूरी पोल खोल दूंगा। मैं आज खोलने वाला हूँ भाई तेरे वीडियोस, नहीं दोस्तों तेरे, समझ दोस्त, तेरे वीडियोस को कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तेरे वीडियोस रहने दे फ्यूचर के लिए। बस अब तेरी थंबनेल की पोल खोल देता हूँ, वही काफ़ी है मेरे लिए, तेरे वीडियोस नहीं चाहिए। बस तेरी थंबनेल की पोल देख खोलता हूँ, तू चौंक जाएगा सोच के, भाई हाँ भाई सच बोल रहा है करके, तू खुद चौंक जाएगा। देख बताता हूँ, तू पहला झूठ ये बोला टिक टॉक प्रो इंडियन ऐप है यूज़ करो। अरे यार कितना झूठ बोलता है भाई, टिकटॉक प्रो इंडियन ऐप कब से हो गया भाई, ये इंडिया का मेड इन टिकटॉक है, इसको यूज़ करो करके अपने सब्सक्राइबर से बताता है। यार ये एक मालवेयर ऐप है दोस्त, मालवेयर डिटेक्टेड सॉफ्टवेयर है, ये रिस्की है, एकदम डेंजरस है जो यूज़ करता है इसके लिए, इसकी सारी प्राइवेसी चुराई जाती है इस ऐप से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, पूरी इंडिया कह रही, पूरी साइबर पुलिस कह रही है। ऑलरेडी इस पर ढेर सारा न्यूज़ वायरल हो पड़ा है, चाहे तो इंटरनेट करके चेक कर ले भाई, कुछ बोलने से पहले अपने सब्सक्राइबर के साथ कुछ बुरा भला हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन, तू लेगा उसकी जिम्मेदारी लेगा? अरे यार कितना झूठ बोलता है, अभी पहले पढ़ तो ले क्या हकीकत है करके, पर फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठा, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले पढ़ ले तू क्या कर रहा है, क्या सही दे रहा है करके। एक तो झूठ बोल के सारे सब्सक्राइबर कमाता है, मेरी समझ, मेरी मेहनत चुरा के सारे सब्सक्राइबर कमाता है और मेरी बुराई करता है। अरे यार अब तो तू ये झूठ पहला झूठ बोला भाई, तो टिकटॉक प्रो इंडिया का ऐप है करके पता नहीं, साइबर फिर साइबर क्राइम जो बोल रही है वो झूठ होगा, या फिर तू झूठ होगा, या फिर वो झूठ होंगे, पूरी इंडिया जो कह रही है वो झूठ है, फिर या फिर तू अकेला सच है। अरे यार पहला झूठ तूने ये बोला, दूसरा झूठ क्या बोला भाई, 48 आवर्स में टिकटॉक आएगा, आपको नोटिफिकेशन मैं दूंगा, जल्द से जल्द रेडी हो जाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं ये पक्का वादा करता हूँ 100% न्यूज़ है। नहीं आया भाई, 1048 आवर्स चला गया अभी, अभी तक जब से बैन हुआ अभी तक आया नहीं, तो दूसरा झूठ तूने ये बोला भाई। तेरे ज्यादा नहीं, 5 ही 5 झूठ बोलूंगा और ढेर सारे, 1 करोड़ झूठ तूने बोले, सिर्फ 5 झूठ बोलता हूँ ताकि पब्लिक को भी समझ में आए, जो नादान पब्लिक तेरी वीडियो चैनल देखते हैं ना, तेरे वीडियोस देखते हैं ना, उनको भी पता चले तू क्या कर रहा है करके। तो तू दूसरा झूठ ये बोला 48 आवर्स में आएगा, आया नहीं। फिर तीसरा झूठ, ये जुमला तो तेरा बहुत ही लंबा चला दोस्त, 23 तारीख का जुमला, 23 तारीख को आएगा, पक्का वादा है, 100% 1000% आएगा, नहीं को तो नहीं, मतलब मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अभी तक बना रहा है भाई, शर्म कर थोड़ी बहुत, तो शर्म कर दूसरों पे उंगली उठाने से पहले। एक तो इतना झूठ बोलता है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है भाई। इंटरेस्टिंग फैक्ट का नाम तो बता दे अपने मुंह से, क्यों डर रहा है तू? डर इसलिए रहा है कि तू गलत है, तेरे खुद को पता है तू झूठ बोल के सब्सक्राइबर कमाया, व्यूज कमाया है। अब उसमें से समझ, बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी चल गया तू झूठ बोलता है करके, तेरे 53K सब्सक्राइबर्स है, उसमें से तेरे चैनल पे व्यूज आते हैं 1K 2K, बहुत से थोड़े बहुत पे तो 200-300 व्यूज भी बहुत मुश्किल से आते हैं। क्यों बोल, तेरे बाकी के 50K सब्सक्राइबर्स को पता चल गया है तू सरासर झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठ आया करके। मैं पहले ही बोला था दोस्त तेरे को उंगली नहीं करना, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ, इधर पे बंद कर दे, सिर्फ तेरे थंबनेल की पोल खोल रहा हूँ, नहीं तो तेरे वीडियोस एनालाइज करके डालूंगा ना, मेरे लिए 4-5 दिन लग जाएंगे वीडियो बनाने के लिए, तू उतना झूठ बोला है तेरे वीडियोस में, क्योंकि ऑलरेडी तेरे वीडियोस में देख लिया, 10 ही 10 मिनट में तेरे थंबनेल्स की पूरी डिटेल निकाला मैं, 10 मिनट ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में पूरी पोल खोल सकता हूँ तेरी मैं, ये वीडियो भी 10 मिनट का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पोल खोल दूंगा, 10 मिनट भी नहीं चाहिए। तो 23 तारीख का झूमला तेरा इतना लंबा चला, 1 महीने तक पूरे सब्सक्राइबर कमा लिया, पूरे व्यूअर्स कमा लिया, पर ये झूठे सब्सक्राइबर झूठे व्यूअर्स काम नहीं आते दोस्त, क्योंकि तेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, पर मेरे वीडियोस पे जा 3000 सब्सक्राइबर है, 3000 से ज़्यादा व्यूज आते, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता तेरे जैसा। और तू बोलता है चश्मा पहन के खड़ा होता है, जो मर्जी में आता है बोलता है भाई चश्मा पहनता हूँ, पर झूठ नहीं बोलता, क्यों? चश्मा पहनना बुरी बात है, नंबर लग गया भाई, हाँ चल भाई, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है दोस्त? चश्मा पहन के देख बोलता है, लिख के रख के देख के बोलता हूँ, हाँ भाई लिखता हूँ, जो सच्चाई है वो उसको लिख के आप तक पहुँचाता हूँ, अगर खड़ के बात करना है ना तो मैं भी 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ, झूठ बोलना है तो तेरे से ज़्यादा झूठ मैं बोल सकता हूँ, उतना तो टैलेंट मेरे में है, बात करने का टैलेंट इतना मेरे में भरा पड़ा है तू सोचेगा भी नहीं, उतना तो मैं बात कर सकता हूँ। तो तू अब ये बोला 23 तारीख का झुमला लंबा गया तेरा, 23 तारीख पर आया नहीं दोस्त, तो बंद कर देना शर्म, थोड़ा तो शर्म कर भाई, तू खुद वादा किया था यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, फिर चल भाई 23 तारीख आ गया, 23 तारीख के बाद फिर वीडियो बनाता है, बना के कहता है 1 तारीख को पक्का आएगा, 100% आएगा, कहाँ आया भाई, 1 तारीख खत्म हो गया 2 दिन पहले, सॉरी 2 दिन करके बोल रहा हूँ, 12 दिन पहले 1 तारीख खत्म, नहीं आया 1 तारीख को, नहीं आया, हाँ भाई चल अब कुछ होगा, कुछ बताएगा बंदा भाई, फिर 12 तारीख की बात किया भाई तू,
12 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है भाई। अब पता नहीं तेरे को कहां से ये न्यूज मिल जाती, किसी को नहीं मिलती। 12 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 15 तारीख को पक्का आएगा। अब तेरा 12-15 को चला गया एक तारीख से, पहले 48 आवर्स, फिर 23 तारीख को, 23 तारीख को, फिर 1 तारीख को, फिर 12 तारीख को, अब 15 तारीख को। क्यों ये सब डेट चला गया 15 तारीख? अब जैसे 15 तारीख आगे आने वाला है, बताता है कल के वीडियो में तू थोड़ा नीचे ऊपर होगा करके। क्यों डर गया 15 तारीख को नहीं आने वाला है? तेरे को भी पता है, तेरे को बस झूठ बोलना है सबसे। कितना झूठ बोलेगा पता नहीं। अब इस पे भी एकदम 100% 15 तारीख को आएगा करके वीडियो बनाया जाके चेक कर ले तू खुद, देखते हैं 15 तारीख को आता है कि नहीं। यार झूठ, इतना झूठी बात मत बोल यार। तेरे ऊपर उम्मीद करके तेरे भरोसे पे वीडियो देखते हैं तेरे चाहने वाले, एटलीस्ट उनका लिहाज कर, उनकी भावनाओं के साथ मत खेल, जो कि सरासर गलत है। ये तो मासूम बंदे यार, इनको पता नहीं क्या हकीकत है करके तू बोल रहा है, एक चैनल बना रहा है, तेरे को वीडियो बनाने की काबिलियत है तेरे में, मैं तू गलत है करके नहीं बोल रहा हूँ, पर झूठ जो बोल रहा है वो गलत है। तो वीडियो बनाने के काबिल है मतलब अच्छा बंदा है भाई, अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज तेरे में भी है, पर उस नॉलेज का गलत फायदा मत उठा भाई, वो मासूम है, उनको कुछ भी पता नहीं। तू जो बोल रहा है समझ के खुश हो के देख लेते हैं, पर कमेंट्स भी थोड़े बहुत पढ़ ले। तेरे वीडियोस पे मेरे कमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, बताते इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाला, सही न्यूज़ देता है। मैं तो 15 कमेंट पढ़ चुका हूँ अभी तक, वो तू पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, थोड़े बहुत तू डिलीट भी कर देता है। अब वो क्या है पता नहीं भाई। ते आके मेरे चैनल पे चेक कर, सच्चू की टेक फेक न्यूज़ है करके मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स बताते भाई, ओपन बताते। अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो में जाके तू कमेंट्स पढ़, तेरे को पता चलेगा पूरे के पूरे बोलेंगे हाँ भैया एकदम पक्की फेक न्यूज़ है इसकी करके, गाली देते हैं गंदी गंदी तेरे को। अरे यार तू मेरे ऊपर उंगली उठाता है। चल भाई कॉपी तो कितना करेगा दोस्त, एक और झूठ तूने बोला, कॉपी कितना कॉपी करेगा भाई? भाई मेरा थंबनेल कॉपी कर लिया भाई तू, जो एलेक्स जू वाइस प्रेसिडेंट नए बनने वाले थे उसका थंबनेल भी कॉपी कर लिया दोस्त तू भाई। एटलीस्ट थंबनेल खुद की मेहनत से बना ले दोस्त, थोड़ी बहुत मेहनत तू भी तेरी साइड से कर ले। एक तो मेरी कॉपी करता है, वीडियोज बनाता है, बस थोड़ा मसाला मार देता है, जो बताता हूँ मैं वही सिर्फ बस सही बताता है, बाकी का सब झूठ। ये होने वाला है, वो होने वाला है, इतने में आने वाला है, उतने में आने वाला है, एकदम रोड़ी जम जैसे करता है भाई। थोड़ी बहुत तो डिसेंसी ले ले भाई। अब मैं क्या बोलूँ, एटलीस्ट थंबनेल खुद की मेहनत से बना ले, वो भी मेरा कॉपी करता है। एक तो न्यूज़ कॉपी करता है, चल भाई न्यूज़ कॉपी कर लिया, थंबनेल तो एटलीस्ट अपनी मेहनत से बना ले, वो भी कॉपी करके डालते हैं। शर्म नहीं है तेरे को? इतने दिन से छोड़ा रखा है, तेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं वो देख लूंगा करके? अब जाके एटलीस्ट अब तो निकाल दे भाई, अब तो निकालेगा तो तेरी इज्जत जाएगी। रहने दे अब जो है वैसा ही रहने दे, थोड़ा बहुत तो शर्म कर भाई। अब जो कल की न्यूज़ जो मैं बताया था, आज की सुबह की न्यूज़ डाला तू, उसमें ओपनली बताता है भाई कि 15 तारीख को आ जाएगा पक्का। दो दिन ही बाकी है दोस्त, 15 तारीख को देखते हैं, उसके बाद बताते थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा, थोड़ा नीचे ऊपर मतलब 20 तारीख, चल भाई वो भी देख लेते हैं। कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। और बोलता है ट्रंप का फोन आएगा मोदी को, बोलता है गेम खत्म, गेम ओवर, अनबैन कर दो। क्या गिल्ली डंडा खेल रहा है? अरे यार क्या गिल्ली डंडा खेला जा रहा है US प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री का? ये जो गिल्ली डंडा खेल रहे वो फोन कर देगा, बता देगा। ये तेरे को बताया किसने भाई? प्रूफ तो कर। बोलने के लिए मैं भी बोलता हूँ भाई, ट्रंप मेरा मामू है, ट्रंप मेरा चिच्चा है, कल आ जाएगा टिकटॉक। अरे यार मजाक बना दिया यार तुम लोगों ने इसको, टिकटॉक को मजाक बना दिया है, ऐसे बताता है फोन आएगा देखो। यार मैं भी वो सब कर सकता हूँ यार, मैं पहले से बताता हूँ मैं टैनी रोड में रहने वाला हूँ, पर थोड़ा बहुत लिहाज कर ले, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जा भाई। दोस्त मेरे पास टाइम नहीं दोस्त इस चीज़ का, प्लीज़। अब तू उंगली किया तो उसका जवाब दिया मैं, फिर तू उंगली करेगा फिर जवाब दूंगा, अब की बार बहुत करारा जवाब दूंगा, इतना तो वादा करता हूँ। तो इधर पे ख़त्म कर दे, तो ये तेरे लिए अच्छा है दोस्त, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कुछ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ जाएगा, मेरे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तू जैसे बोलता है मैं उतना कमाता नहीं, मेरे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्त, मैं सिर्फ सच्चाई पहुँचाता हूँ। तो ये लास्ट बार बताता हूँ, तू अपना काम तू कर ले, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, तेरे को कभी उंगली नहीं किया मैं। तो अगर उंगली करता रहा तो फिर तेरी वीडियोस एनालाइज किया मैं तो सोच बहुत लंबा जाएगा, तो इधर पे ख़त्म कर दें। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये कहना नहीं चाहता था, ये बंदा मजबूर कर दिया, तो क्या आपका वक्त जाया गया? सॉरी फॉर दैट, बाय फ्रेंड्स।